Hello and welcome to the News Radar. We are with a senior journalist who covers Himachal politics for a known media house, Punjab Kesari, Mr. Sanjeev Sharma. So we are going to discuss about the political turmoil which is happening in Himachal Pradesh at present, and it has put the Congress government on shaky grounds. Sanjeev ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ रडार में. ये जो पूरा टर्मोइल हुआ है, ये इसमें कांग्रेस को अभी एक साल चार महीने हुए और कांग्रेस की जो है ज़मीन ही एक तरह से हिल गई है, तो इसमें जो कसूरवार है वो आप किसको मानते हैं सर? देखिए, एक अंग्रेजी की कहावत है कि टेक्स टू टू मेक अ कॉल. तो ये संभव नहीं है कि किसी एक की वजह से ये हो रहा होगा. इसमें दोनों ही पक्ष, और दोनों ही पक्षों का मतलब है एक पक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जिन पे आरोप लगे, और दूसरा पक्ष वो जिन्होंने लगाए. कहीं ना कहीं दोनों की ही कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो आपस में ऐसी भिड़ गई. ये अनप्रेसिडेंटेड जैसी सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं. आई एम देयर फॉर 35 ईयर्स, मैंने नहीं देखा. बीच में ठीक है एक विद्रोह हुआ था प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ, लेकिन वो ले देख के शांत हो गया था. हुआ वो भी बजट सेशन में ही था. ये इंटरेस्टिंग है, उसमें भी 6-7 ही लोग थे. इसमें भी देखिए अब 6 तो 9 नहीं है, जॉन सीटी हो गए हैं. लेकिन दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ कमजोरियाँ रहीं. मुख्यमंत्री संभवतः ये फीलिंग ले रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ एंड यू हैव टू कम टू मी अगेन एंड अगेन, और उनको ये लग रहा था कि हम लोग सीनियर हैं और हम अगर बार बार एक छोटी सी चीज़ के लिए जाएं तो हमारी तौहीन है. छोटी सी चीज़ों से बड़ा, और वही होता है, यू नीड वन मैच स्टिक टू बर्न अ हाउस, और वो चीज़ होगी इसमें. छोटी सी चिंगारी जो है अब इतना बड़ा शोला बन गया है कि ना तो उन 6 को पता है कि उनका क्या होगा, क्योंकि जो भी होगा जनता ने तय करना है, ना इस सरकार को पता है कि उसका क्या होगा क्या नहीं होगा. नहीं, पर आप कह रहे हैं कि जैसे कि इसमें दोनों तरफ से ऐसा हुआ है, तो ऐसे दोनों मतलब कि आप दूसरे सिनेरियो से एक देखो तो कितनी बार ये प्रयास रहा कि जो ये 6 डिस्क्वालीफाइड MLA जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और टिकट मिल गई, इन्हें कई बार जो है वो अपनी चीज़ को जो है वो कन्वे किया, ट्राई की थी इन्होंने करने की, कन्वे करने की, तो वो कन्वे की भी उन्होंने और वो सुनी नहीं गई. उस पक्ष को देखते हुए किसका ज़्यादा कसूर है? जाहिर है फिर अगर कन्वे करी है तो हाईकमान का भी इसमें कसूर है, क्योंकि वो हाईकमान के पास भी वो जा रहे थे, हमारी नहीं सुनी जा रही थी. तो हाईकमान ने भी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया. उनको लगा होगा नहीं हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है. लेकिन वही देखिए, और कहावत है कि पावर क्रप्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रप्स एब्सोल्यूटली. तो पावर ने थोड़ा सा दम्भ ला दिया, और एब्सोल्यूट पावर थी तो ज्यादा दम्भ ला दिया. हाईकमान भी उनको भी लगा होगा कि कोई बात नहीं, फ्री हैंड दे दो. हाईकमान की दिक्कत ये थी कि बहुत ज्यादा कांग्रेस की सरकारें देश में नहीं है, इसलिए उनको लगा कि फ्री हैंड दो चीफ मिनिस्टर को, ताकि जो चीजें वो करना चाहते हैं वो करें. फ्री हैंड का मतलब वहां कुछ और निकल गया. उनको लगा कि मैं जो करूंगा उसका कोई विरोध नहीं होगा. लेकिन जब एक बड़ा घर होता है तो दो बच्चे भी अगर घर में हो तो वो भी लड़ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ पे. तो इतने बड़े घर में ये चीज़ें होने की, और बड़ी हो गई, और उसमें भी उनकी जो पॉलिटिकल विजडम था वो उन्होंने शायद यूज़ नहीं किया. कि अगर उनको पता था कि ये 2-3 सेक्शन है मेरे खिलाफ है, तो उन 2-3 को इकट्ठा होने का मौका दे दिया. तो ये पॉलिटिकल विजडम की आपने बात की, तो पॉलिटिकल विजडम के लिए और पॉलिटिकल गाइडेंस के लिए एडवाइजर भी काफ़ी रखे गए थे, चाहे वो मीडिया के क्षेत्र में हो, यहाँ से लेकर दिल्ली तक एडवाइजर रखे गए, चाहे वो पॉलिटिकल एडवाइजर रखे गए हों, तो उनके रोल को आप किस तरह देखते हैं? गोपाल जी, अगर आपको याद होगा इससे पहले भी स्टेट में एक पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, ब्रिज बिहारी लाल पटेल. हाँ जी. जितने भी 8-10 पॉलिटिकल एडवाइजर सुखविंदर सिंह सुक्खू के थे, उन सबको एक थैले में इकट्ठे करो और तोलोगे तो ब्रिज बिहारी लाल पटेल का जो थैला हो भारी निकलेगा. लेकिन ये आप मुझे बताइए, क्या आपने सुना कि उन्होंने कभी कोई सलाह दी होगी वीरभद्र सिंह को? पॉलिटिकल एडवाइजर की जो पोस्ट है वो एक अपने लोगों को एडजस्ट करने की पोस्ट होती है. उस टाइम पे क्या हुआ कि लिमिटेड कैबिनेट का एक रूल लागू हो गया 2003-04 में, एंड सम 4 मिनिस्टर्स टू बी शंटेड आउट. उसमें ब्रिज बिहारी लाल पटेल, चंद्रेश मनकोटिया और चंद्र कुमार, ये चारों कांगड़ा के गए थे. उनको एडजस्ट करने के लिए उनको पॉलिटिकल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर बना दिया. बट कैन यू इमेजिन कि ब्रिज बिहारी लाल पटेल, जिनका अपना एक बहुत बड़ा उनका नाम था और बड़ा कैलिबर था उनका, और बहुत बड़े अच्छे नेता थे वो, लेकिन उससे भी बड़े नेता वीरभद्र सिंह थे. तो ये वैसे ही है कि एक आदमी जिसने कुछ टेस्ट खेले उसको बना दिया आपने टीम इंडिया का कोच, अब वो सचिन तेंदुलकर को, कोहली को, धोनी को बल्ला चलाना थोड़ा सिखाएगा. वो उसने दिया गया, उसको कूल ऑफ है, ठीक है, वी रिगार्ड योर थिंग्स इन द पार्टी, आपने जो पार्टी को डिवोशन दी है उसको हम रिगार्ड करते हैं, और आप यहाँ बैठो आराम से मजे करो. तो ये पॉलिटिकल एडवाइजर भी मजे करने वाले थे. अगर ढंग की एडवाइस देने वाले होते तो इन्हीं पॉलिटिकल एडवाइजर में से एक के खिलाफ तो 2-3 चिट्ठियाँ आई कि उसकी वजह से मामला खराब हुआ, चाहे वो हमीरपुर का था चाहे बड़सर का था. उन्होंने साफ साफ लिखा कि आपके पॉलिटिकल एडवाइजर ने ये किया, हमारे साथ ये किया, तो अगर वो नहीं किया होता तो दो लोग कम गए होते. तो ये चीज़ें हैं कि आप एडवाइस देने के लायक हो या आपकी एडवाइस सुनी जाती है नहीं सुनी जाती है. तो ये मुझे लग रहा है कि वहाँ भी एक
कहीं ना कहीं जो है। अब आप बीजेपी की तरफ आए तो ये जो सारा ऑपरेशन हुआ, इसमें सबसे अहम भूमिका आप किस लीडर की मानते हैं? देखिए, ये ऑपरेशन दिल्ली से हुआ है, अब आप जो मर्जी कह लीजिए कि उसकी भूमिका अहम है उसकी, लेकिन टेक्निकली जब तक वोट दिखा के नहीं डाले गए थे राज्यसभा में, जो हमारी सूचना है, तब तक तो ये भी पता नहीं था कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है। ऑल द थिंग्स वर बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, एंड हु वाज कंट्रोलिंग फ्रॉम दिल्ली, इट इज अनदर मिलियन डॉलर क्वेश्चन, वेदर इट वाज जेपी नड्डा, वेदर इट वाज अमित शाह, वेदर इट वाज समथिंग एल्स। ठीक है, बीच में आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, डिस्क्यूट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, वो चाहे बिंदल हैं, चाहे जयराम ठाकुर हैं, चाहे इवन हर्ष महाजन का भी आज की डेट में नाम आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें दिल्ली से चल रही हैं, और जो दिल्ली से वो आता था, आदेश आता था, वो पालना होता है। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जिस दिन इन लोगों ने रिजाइन करना था, उस दिन ही शाम को एक मीटिंग रखी गई विधायक दल की, लेकिन जिन्होंने रिजाइन किया तीन इंडिपेंडेंट्स ने, उनके साथ जे आर ठाकुर जो थे चले गए, जयराम ठाकुर चले गए, दिल्ली चले गए, और एक मैसेज आया कि आप बैठिए, आपको दिल्ली से फोन आएगा, वो आपको सुनना है, ये हमें अंदर जो लोग थे उन्होंने बताया, नाम नहीं लूंगा, और उस पर आपको बताया जाएगा कि कल क्या करना है, लेकिन अंततः वहाँ कोई एजेंडा नहीं था उस मीटिंग का, समझ रहे हो। फिर फोन आया, कल आपने सुबह आना है, इन्होंने आना है शाम को, और इनका स्वागत करना है। तो जब चीज़ें बाहर से डिसाइड हो रही थी, तो यहाँ किसी को आप क्रेडिट दें ना दें, लेकिन हाँ, अभी जो सिचुएशन आई है उसमें साफ दिखता है कि जयराम ठाकुर मेहनत कर रहे हैं, वो हर जगह दौड़, वो कल भुट्टो को लेके गए, सतपाल सत्ती को उन्होंने साथ में लिया, सतपाल सत्ती बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नाम हैं, ऊना के बड़े लीडर हैं बीजेपी के, खुद लेके आए महत्वपूर्ण लोगों को जो है समूर कला में छोड़ के गए, भुट्टो को जो है पोर्टलैंड में एंटर करा के गए, अब कल भी उनके इसी तरह से प्रोग्राम है आने वाले दिनों में भी, वो दौड़ रहे हैं। लाहौल स्पीति के मंडल से उन्होंने बैठक करी, वहाँ विद्रोह की बात सामने आई तो उन्होंने महेश्वर सिंह से बात करी, आज उन्होंने कंगना दिल्ली में हैं, आज वो शेरी मंच पर रैली कर रहे थे, दैट मीन्स कि जयराम ठाकुर जो है ही इज़ वर्किंग हार्ड। ये तो आप इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन जिन दोनों ये जो बागी विधायक थे ये अभी इधर उधर घूम रहे थे, उसमें एग्जीक्यूशन में किसका रोल? उसमें निश्चित तौर से दिल्ली की चीज़ें थी। नहीं, बट स्टेट के लीडरशिप जो है, स्टेट में तो वही होता है ना कि आपने अपने स्टाफ को कहा कि ये करना है तुमको करना है, तो माइंड अप्लाई दिल्ली से हुआ, और उस योजना को क्योंकि क्रियान्वित करना था, एग्जीक्यूट करना था, तो यू नीड सम एग्जीक्यूटिंग पीपल, तो वो इन्होंने ही करना था, चाहे वो बिंदल चाहे जयराम ठाकुर। ठीक है, ये दो पक्ष हो गए हमारी डिस्कशन के। आखिरी पक्ष है कि अब जो इलेक्शन हैं, 6 असेंबली सीट्स हैं, इनमें से सबसे मुश्किल सीट जो है वो आपको कौन सी लगती है? नहीं देखिए, अभी स्थिति ये है कि अभी 6 लोगों के टिकट डिक्लेयर हो गए इनके, अब कांग्रेस के टिकट तो डिक्लेयर हुए नहीं है, तो मुश्किल है या आसान है ये तय होगा जब कांग्रेस के टिकट तय होंगे। क्योंकि देखिए, ये ठीक है कि ये एक पार्टी से जंप करके दूसरे में चले गए, हो सकता है एक सेंसिटिव ग्रुप होता है वोटर्स का, उसको लगता है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी ग्रुप होता है जो कहता है कि चलो ठीक है यार, ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी तो अच्छा ही हो गया, तो प्लस माइनस वाले सारे होते हैं, आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के होते हैं, लेकिन जब असली बात सामने आएगी कैंडिडेट की, तो है कांग्रेस के पास अभी कैंडिडेट उस तरह के नहीं है, कांग्रेस अंधेरे में काली बिल्ली ढूंढ रही है, आई हैव नो हेजिटेशन टू से दिस, उनको ये पता नहीं कि किसको करना, क्यों पता नहीं है, बरसर में 15 साल से इंद्रजीत लखनपाल जीत रहे हैं, सेकंड लाइन है ही नहीं, अब एकदम से मशरूम हो जाएगी, जब मशरूम हो जाएगी तो फिर विद्रोह होगा, आज तो मजे ले रहे हैं सारे कि बीजेपी में विद्रोह हो रहा है, लेकिन कल को जब कांग्रेस में होगा उसको भी देखना पड़ेगा। इसी तरह लाहौल स्पीति में सेकंड लाइन है ही नहीं, सेकंड लाइन नहीं है, धर्मशाला में सुधीर इतना बड़ा नाम है, सेकंड लाइन कौन होगी, जो थी वो लाइन साइड लाइन होती, ठीक है, सेकंड लाइन साइड लाइन होती गई, सुजानपुर में जिस आदमी ने चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट को हरा दिया, अब वो सेकंड लाइन तो साइड लाइन ही है वहां पे, ये ठीक है कि वो सेकंड लाइन के साथ ही पिछला इलेक्शन में लड़ा, 400 वोटों से लड़ा, इट वाज टफ जॉब, लेकिन जीता उन्होंने, तो कहीं है नहीं, तो अब वो सेकंड लाइन लानी है, थर्ड लाइन लानी है, कि फोर्थ ही आ गई तो सेकंड और थर्ड जना नाराज हो जाएगी, तो बहुत चुनौतियां हैं, इट्स नॉट दैट मच इजी। कांग्रेस को अगर रहना है सरकार को इसको, तो ये जो है टेढ़ी खीर है, ये खाला जी का बाड़ा है नहीं है ये, कि आप मजे से जो है बोलेंगे कि जी 6 सीटों का चुनाव है, एक तो कोई गिरी जाएगी, नॉट लाइक दैट, यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू वर्क आउट, और कैंडिडेट इनके पास है नहीं। बरसर का आपने सही कहा कि बरसर में सेकंड लाइन नहीं है, कहीं भी नहीं है, में बहुत कम वोटों से जिंदा राणा मिखल जीते थे लास्ट इलेक्शन, मेरे ख्याल 398 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 400 रख लो उसको राउंड फिगर में, तो 200 वोट का फर्क था, उतना ही फर्क, हाँ, तो हर कैंडिडेट को चाहे वो कितना दिग्गज है, चाहे सुधीर शर्मा है, उसको लाइटली नहीं लगते चुनाव को, चुनाव है ये, ठीक है, बाकी जो सियासत है वो बाहर हो जाती है, जो सियासी दांव पेच बाहर हो जाते हैं, लेकिन वोट तो लोगों ने डालना है, वोट तो लोगों ने डालना है, और हिमाचल का जो वोटर है वो सबसे पढ़े लिखे वोटर है, और वो कई चीजें देखकर वोट करता है, आप उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, वो चलेगा आपके साथ, वोट किसी और को दे देगा,
बिकॉज सीक्रेट वोट है, सीक्रेट वोट। तो यहाँ तो यहाँ रहेगी सबकी दुखदुखी, कांग्रेस की भी रहेगी, अब गई तब गई। पर कांग्रेस का मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जिसमें कांग्रेस के पास जो है वो हिमाचल एक नॉर्थ इंडिया में एक ही स्टेट है जिसको वो रूल कर रही है, तो वो आई थिंक उसको कांग्रेस को सीरियस लेना चाहिए। अब हाईकमांड उसमें कितना सीरियस रहती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि हमारा ये जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन थी कि जो हुड्डा और बाकी लोग आए थे यहाँ पे पैसिफाई करने के लिए इस इशू को, वो फेल हो गए इस इशू को पैसिफाई करने में। नहीं, पर कांग्रेस ने क्या सीरियसली लिया इस चीज़ को? सीरियसली लिया होता तो ये चीज़ें नहीं होती। हाँ, वो इशू है। ठीक है, डी के शिव कुमार ने जो रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें हुड्डा और भूपेश बघेल भी थे, उसमें तीन चीज़ें बड़े वाइडली जो है बाहर आई। एक तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह का जो कंडक्ट है बींग ए पार्टी प्रेसिडेंट वो बेहतर नहीं है, और वो चीज़ों को संभालने के बजाय चीज़ों को पॉप अप होने के लिए छोड़ रही थी, थोड़ा बहुत रायता फैलाने की कोशिश कर दी, विक्रमादित्य के ऊपर करी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया था कि दिस इज नॉट ड्यूरेबल, द चीफ मिनिस्टर वाज स्लीपिंग ओवर द मैटर फॉर लास्ट वन ईयर, एक साल से चीज़ें हो रही हैं और नेतृत्व तो सोया हुआ, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं। तो तीनों को उन्होंने लिया था, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रिपोर्ट थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से जो है प्रतिभा सिंह को हटा दीजिए। प्रतिभा सिंह ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ती, कुर्सी मैं अपने पास रखूंगी। फिर कहती हैं लड़ रही हूँ, फिर अभी सुबह कहा शाम को कुछ और कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस में है तो ये दिल दिल नहीं मिले इनके। हाँ, हाथ मिला रहे, रंग लगा रहे, पीछे पीछे चूना भी लगा रहे एक दूसरे को। हाँ, हाँ। तो ये चीजें जो है ये सुटेबल नहीं है। बाई हुक एंड क्रूक कोई बाई चांस हार जाए, लोग ही नाराज हो किसी से जो छोड़ के गए, और फिर कांग्रेस को लगे कि हमारे 35 हो गया, 36 हो गए, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लैक कर रही है। और इस पूरे सिनेरियो में आप देखिए, एक आदमी टोटली बाईपास ही है, चुप है, मुकेश अग्निहोत्री। ठीक है, उनके साथ जो हुआ ईश्वर ना करे किसी के साथ, उनके साथ एक बहुत ट्रेजेडी हुई उसकी वजह से है, लेकिन फिर भी वो आदमी जो है सक्षम है। 5 साल तक वही लड़ा, 5 साल में सरकार लाने की नौबत लाया तो कोई वही लाया। तो यू एक पुरानी कहावत और है, कहावतों का दौर चल गया, कहावत कहती है कि यू मस्ट गिव डेविल हिज ड्यू। वो तो आपके अपने बंदे हैं यार, आप उनको अपना ड्यू दो, अपना ड्यू दो उनको। तो लेकिन नहीं, अब जाके आपने एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाई, और हमारी ये सूचना है कि ये हाई कमांड के निर्देश पर बनी है। दैट मींस कि चीफ मिनिस्टर की पावर्स को कट शॉर्ट करने की कोशिश हुई है। ये कोशिश नहीं करनी पड़ती अगर आपने चीफ मिनिस्टर को पहले ही स्ट्रिक्टली कहा होता कि यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स। आपको पता है सब जगह सरकारें टूट रही हैं, चाहे बीजेपी तोड़ रही है चाहे नहीं तोड़ रही है, छूट रही है, लोग छूट रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हाँ। या लूटे जा रहे हैं या छूटे जा रहे हैं, दो ही चीजें हो रही हैं, दो चीजें है ना। आप संभाल नहीं पा रहे, आपके पास सरकार है, आप मजे ले रहे हैं उसमें, सब जो जिस जिधर को चला उधर को चला है। तो गलतियां कांग्रेस की ज्यादा है, बीजेपी को क्या, बीजेपी ने तो सरकार बनानी है, अपोजिशन में उसको मौका मिलेगा, बनाएगी बनाएगी ना मौके को। बीजेपी अगर बना रही है तो इसको जो है मुझे नहीं लगता कि गलत रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है भाई, और कौन बनाएगा, दो ही दल हैं। हाँ, वो तो चलो, अब देखना ये है कि कांग्रेस के पास ये एक ही स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, और वो किस तरह से जो है वो हिमाचल में सीरियसनेस दिखाती है इलेक्शंस में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई।